खबर नोएडा से है। डिफॉल्टर बिल्डर्स पर यूपी रेरा की सख्त कार्रवाई शुरू हो चुकी है। डिफॉल्टर बिल्डर्स को जारी किया गया रिकवरी नोटिस। सुपरटेक मेस्कॉट ऑरा बिल्डवेल मिस्ड डायरेक्ट सेल्स को 68 करोड़ का रिकवरी नोटिस जारी हुआ है। यूपी में सबसे ज्यादा आरसी सुपरटेक के खिलाफ 45 करोड़ की रिकवरी के 111 नोटिस सुपरटेक पर ठोके पहले भी हैं। सुपरटेक के खिलाफ रेरा और अन्य एजेंसीज की कार्रवाई के इसी तरीके के नोटिस। यूपी के टॉप 10 डिफॉल्टर्स की सूची में दूसरे नंबर पर है सुपरटेक ग्रुप। रेरा कार्यालय में मंगलवार हुई बिल्डर्स के साथ बैठक के बाद रेरा ने कड़े कदम उठाए हैं। बिल्डर्स के खिलाफ जारी हुए रिकवरी नोटिस को अमली जमा पहनाने का जिम्मा जिला प्रशासन पर है। रिकवरी नोटिस के अलावा इन बिल्डर्स को 1375 पोजेशन की भी डेडलाइन दी गई है। बायर्स को पैसा लौटाने के लिए यूपी रेरा ने बिल्डर्स से प्रॉपर्टी का भी ब्यौरा मांगा है। यूपी रेरा ने रिकवरी से जुड़ी रकम का ब्यौरा नोएडा और गाजियाबाद प्रशासन को भेजा है। बायर्स के पैसों के रिकवरी के लिए बिल्डर्स की प्रॉपर्टी अटैच करने और जरूरत पड़ने पर नीलाम तक करने के निर्देश है। बलविंदर कुमार हमारे साथ है, इस वक्त यूपी रेरा के मेंबर है। बलविंदर जी, जो डिफॉल्टर बिल्डर्स हैं उनको लेकर रिकवरी नोटिस जारी हो चुके हैं, यहाँ तक कि अगर वो लोग जिनका देनदारी बनती है उनका पैसा नहीं देंगे तो उनकी संपत्ति तक अटैच करने का फैसला रेरा की ओर से लिया गया है। अभी हम लोगों ने करीब 20 ऐसे बड़े डिफॉल्टर्स हैं, बिल्डर्स हैं जी, जिनके की अगेंस्ट में या तो रिकवरी के आदेश पेंडिंग है या फिर उनके अगेंस्ट जो है पोजेशन के ऑर्डर दिए गए हैं, परंतु वो बायर्स को पोजेशन नहीं दे पा रहे हैं। तो हमने इन सबको वार्न किया है और इन सबको कहा है कि वो एक अभियान के तौर पे जितने भी रेरा के आदेश हुए हैं उनकी वो कंप्लायंस करें, नंबर वन। दूसरा ये है कि हमने इन सभी बिल्डर से जो उनकी ऐसी प्रॉपर्टी है जो खाली है, मतलब विदाउट एनकम्बरेंस है, जिसके ऊपर कोई थर्ड पार्टी चार्ज नहीं है, उसकी हमको लिस्ट अवेलेबल करा दे ताकि हम उस प्रॉपर्टी को ऑक्शन करा के पैसा जो आएगा वो हम बायर्स का वापस कर सकें। तो करीब 2000 के करीब हमारी जो है वो रिकवरी सर्टिफिकेट्स जिलाधिकारियों के यहाँ लंबित हैं और ये काफी बड़ा अमाउंट है। और दूसरी ओर जो बिल्डर्स हैं उनका ये कहना है कि हमारे पास कैश उपलब्ध नहीं है कि हम लोगों का रिफंड कर सके। तो फिर हमारे हिसाब से जो है जो सबसे अच्छा ऑप्शन अवेलेबल यही है कि उनकी प्रॉपर्टीज को हम ऑक्शन कराएं ई ऑक्शन के माध्यम से और जो पैसा आए वो हम बायर्स को उपलब्ध करा पाए। तो इसी दिशा में हम लोग जो है वो प्रथम चरण में हम बिल्डर्स को बुला रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। कल हमने 5 बिल्डर्स से बात की, आज भी हम 5 लोगों से बात करने जा रहे हैं। तो अब तक मतलब आप टॉप 5 जो डिफॉल्टर्स हैं उनसे बातचीत कर चुके हैं जी। इन टॉप 5 डिफॉल्टर्स में किस किस का नाम बता पाएंगे बलविंदर जी? ये सबसे ज्यादा क्योंकि सुपरटेक के और लॉजिक्स ग्रुप के, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट नोएडा ग्रेटर नोएडा में इन्हीं के आ रहे हैं, इस वजह से इन दोनों के अगेंस्ट में काफी ऑर्डर्स हैं जहाँ पर कि इन्होंने पोजेशन जो है वो देना है। तो इन्हें हमने कल बुलाया था और इन्होंने जैसे सुपरटेक ने वादा किया है कि वो हर महीने 100 बायर्स को जो है वो पोजेशन उपलब्ध करा देंगे। करीब 600 लोगों को उन्होंने अभी पोजेशन देना है, तो होपफुली वो कह रहे हैं कि हम 6 महीने में जो है वो सब लोगों को पोजेशन दे देंगे। और इसी तरीके से जो है लॉजिक्स ग्रुप के भी 582 के करीब केसेस हैं जहां पर की पोजेशन देना है, उसमें उनका कहना है कि हमने 203 बायर्स को जो है पोजेशन दे दिया है और बाकियों को भी वो 3 महीने के अंदर वो दे देंगे। स्थिति है। चलिए बलविंदर जी, बहुत ही शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए स्थिति क्या कुछ है इस वक्त रेरा की, और रेरा के जरिए जो इस वक्त नोटिस जारी किए जा रहे हैं उसकी इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे थे बलविंदर जी, जो बता रहे हैं कि इस वक्त जो टॉप डिफॉल्टर्स हैं उन टॉप डिफॉल्टर्स में लॉजिक्स और सुपरटेक, इन दोनों के नाम है और इन दोनों से बातचीत की गई है और इनकी ओर से कहा जा रहा है कि हर महीने ये लोग 100-100 करके पोजीशंस देंगे
और जो रिकवरी होनी है उस रिकवरी को भी आप ये लोग जल्द से जल्द पूरा करेंगे।